हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज ऑफ फार्मेसी। फ्रेंड्स, आज हम फार्माकोलॉजी का सेकंड टॉपिक रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखने वाले हैं। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, कि इसका मतलब यही है कि हम ड्रग को किस रूट से या फिर कौन कौन से रूट से हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करा रहे हैं या फिर अपनी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करा रहे हैं। तो इसका यही मतलब होता है कि किस रूट से ड्रग को हम अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर करा रहे हैं, ठीक है। और क्या होता है, रूट की चॉइस है, मतलब हम किस रूट से ड्रग को देंगे, जो डिपेंड करता है ड्रग पे कि ड्रग किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, या टॉपिकल ऑइंटमेंट फॉर्म में है, या फिर क्रीम फॉर्म में है, किस फॉर्म में है उस पर डिपेंड करता है। और एज वेल एज पेशेंट की कंडीशन पर भी डिपेंड करता है कि पेशेंट कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, वोमिटिंग कंडीशन में है कि नहीं है। ये सभी ध्यान में रखते हुए क्या होता है, ड्रग को बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम देखने वाले हैं, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और रूट्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप। क्या होता है कि रूट्स को, मतलब जो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसको टू टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है लोकल एक्शन और दूसरा है सिस्टेमिक एक्शन। तो लोकल एक्शन से समझ में आ रहा होगा कि इसको हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी में लोकल एक्शन प्रोवाइड करने के लिए इस टाइप की ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। और सिस्टेमिक एक्शन से समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो भी ड्रग लेते हैं वो हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में या फिर ब्लड में जाती है, ठीक है। तो यही है, इसको टू टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। लोकल कंसिस्ट करता है टॉपिकल, कंजक्टिवा, इंट्रानेजल, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन या फिर जो ड्रग्स होती हैं हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती हैं उनको टू टाइप में क्लासिफाइड किया गया, ओरल और पेरेंट्रल। ओरल में क्या होता है कि वे सभी ड्रग जो जो जीआईटी से होकर जाती हैं, मतलब कोई भी हम ड्रग लेंगे वो हमारे पहले जीआईटी में जाएगी, फिर क्या होगा उसका एब्जॉर्प्शन होगा और वो हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगी। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कंसिस्ट करता है ओरल और पेरेंट्रल। तो ओरल में आता है सबलिंगुअल और रेक्टल, और पेरेंट्रल में आता है, पेरेंट्रल मतलब क्या होता है कि वे सभी ड्रग्स जो इंजेक्शन के थ्रू दी जाती हैं, ठीक है। क्या होता है कि डॉक्टर जब इंजेक्शन से हमारी बॉडी में इंजेक्ट करा जाता है तो इसे पेरेंट्रल प्रोसेस कहते हैं, और इसमें क्या होता है जीआईटी का कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। और पेरेंट्रल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट करता है आईवी इंट्रावीनस, आईएम इंट्रामस्कुलर, आईडी इंट्राडर्मल और सबक्यूटेनियस को। तो इन दो टाइप के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी में ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। अभी हमने देखा कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर को टू टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, लोकल रूट्स और सिस्टेमिक रूट। तो लोकल रूट में हम फर्स्ट देखते हैं टॉपिकल। इसमें क्या होता है कि ड्रग, दिस इज यूज टू एक्सटर्नल अप्लीकेशन ऑफ द ड्रग टू द सर्फेस ऑफ लोकल एक्शन। क्या होता है, टॉपिकल जो ड्रग्स होती हैं, मतलब टॉपिकल जो रूट्स होता है, इसमें क्या होता है कि ड्रग को लोकल एक्शन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। मान लीजिए इसमें क्या होता है कि टॉपिकल जो होता है वो हमारे बॉडी के सरफेस पे क्या क्या यूज़ किया जाता है, जैसे मान लीजिए हमारे सेल पे, हमारी बॉडी में किसी लोकल एरिया पे या फिर लोकल जगह पे क्या हो गया है, कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, तो वहाँ पे हम क्रीम ऑइंटमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, वहाँ पे रब करते हैं, तो ये सभी टॉपिकल्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि इस मेथड के द्वारा ड्रग जो दिया जाता है वो इफेक्टिवली डिलीवर्ड की जाती है हमारे लोकल एक्शन पे, जैसे हो गया स्किन पे, नेजल म्यूकोसा, ईयर कनाल और जो वेजाइना, इन सभी फॉर्म में क्या होता है, किस फॉर्म में ड्रग को देते हैं, तो लोशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, पाउडर, ड्रॉप, स्प्रे, लोजेंजेस, सपोजिटोरीज और पेसेरीज, ये सभी जो फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, टॉपिकल के लिए बने होते हैं। इसमें क्या होता है, टॉपिकल का मतलब क्या होता है कि ड्रग को हम क्या करते हैं, अपने बॉडी पे सरफेस पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ जो होता है वो लोकल एक्शन प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है, और इनका यूज़ करना जो होता है वो ईजी होता है। हमारा इसमें सेकेंड टाइप जो है वो कंजक्टिवा आई ड्रॉप हो गया। इसमें क्या होता है, आई ड्रॉप का यूज़ भी जो होता है लोकल एक्शन प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए हमारी आँख में कुछ पार्टिकल चला गया, उसमें क्या करते हैं, हम आई ड्रॉप को सीधे हमारी आँख में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये भी जो होता है, आई ड्रॉप भी होता है क्या, लोकल एक्शन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हमारा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड टाइप जो है सिस्टेमिक रूट्स, उसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि सिस्टेमिक रूट का मतलब होता है कि जो भी ड्रग हम लेंगे वो क्या एब्जॉर्ब होकर हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगी, फिर अपने एक्शन प्रोवाइड करेगी। तो इसमें हमारा फर्स्ट है ओरल। ओरल में क्या होता है कि ये जो होता है ओरल रूट जो है, मतलब इसमें जो हमने माउथ के द्वारा क्या करते हैं, ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं अपनी बॉडी में, ये जो होता है ओल्डेस्ट और कॉमनेस्ट मोड है,
मतलब बहुत पुराना है और कॉमन मोड है। इसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सॉलिड और लिक्विड डोजेस फॉर्म, मतलब ड्रग जो हो गया या फिर या तो सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, दोनों फॉर्म में ड्रग को क्या करते हैं हम ओरली अप्लाई कर सकते हैं अपनी बॉडी में। और इसके मेरिट्स क्या क्या हैं, मेरिट्स मतलब एडवांटेज क्या हैं, ओरल रूट के द्वारा जो ड्रग्स दी जाती हैं, ओरल रूट्स के द्वारा ड्रग दी जाने वाली क्या मेरिट्स क्या है, मतलब एडवांटेज क्या है। तो ये जो होता है सेफ होता है और इसको यूज़ करना भी इजी होता है और इसमें किसी भी सेकेंड पर्सन की या फिर हमें असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं होती है। जो ड्रग्स ओरली दी जाती हैं उनके डीमेरिट्स के बारे में देखते हैं। डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेज के बारे में देखते हैं। तो क्या होता है कि ये जो होता है, अगर किसी पेशेंट को इंस्टेंट एक्शन चाहिए, मतलब ऑनसेट एक्शन चाहिए, उसके लिए यूज़ नहीं किया सकता, क्योंकि इसमें ड्रग जो होगी पहले हमारे स्टमक में जाएगी, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन वहाँ से एब्जॉर्ब होगी, फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगी, तब अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी। मतलब तब इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन के लिए इसका यूज़ नहीं किया जा सकता। पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है और वोमिटिंग कंडीशन में है, मतलब कंटिन्यू वोमिटिंग कर रहा है, या फिर अनकॉन्शियस है बेहोश कंडीशन में है, तब क्या होता है, तब इस रूट का यूज़ नहीं किया जा सकता। और मतलब क्या है, स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है स्लो होता है। और इसमें क्या होता है कि ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो सकता है, मतलब जो हम ड्रग देंगे वो हमारे स्टमक में जाएगी, वहाँ से स्टमक जो होती है, कुछ ड्रग जो होती है वो हमारे लीवर में चली जाएगी, वहाँ से क्या होता है उसका क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। जो ड्रग एसिड लाइबल होती हैं, मतलब एसिड के अगेंस्ट क्या होती है, एसिड सेंसिटिव होती हैं, उनको हम ओरल रूट के द्वारा नहीं दे सकते। क्यों? अगर एसिड लाइबल ड्रग को इंजेक्ट कराते हैं या फिर हम ओरल रूट के थ्रू इस ड्रग को देते हैं, तो क्या होगी, ड्रग पहले स्टमक में जाएगी, वहाँ एसिड प्रेजेंट होता है, और क्या होगा, ड्रग जो होगी वो ख़राब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके डीमेरिट्स हो गए, मतलब डिसएडवांटेज है। अब सब लिंगुअली देखते हैं, ये हमारा सिस्टेमिक रूट का सेकेंड टाइप है, सब लिंगुअली। इसमें क्या होता है कि टैबलेट जो, सब लिंगुअल मतलब समझ में आ रहा होगा, ड्रग को क्या करते हैं, हमारे टंग के नीचे या फिर टंग के बिलो रख देते हैं, और क्या करते हैं, ड्रग को हमारे माउथ में क्रश कर देते हैं और अपने टंग के नीचे रख देते हैं। इसमें क्या होता है कि टैबलेट इज प्लेस्ड अंडर द टंग और क्रश्ड इन द माउथ स्प्रेड ओवर द बकल म्यूकेसा। क्या करते हैं, टैबलेट को हमारे टंग के नीचे रखते हैं और या फिर क्रश कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ड्रग जो होती है पूरे बकल म्यूकेसा में हमारे माउथ में फैल जाती है। क्या होता है, इसमें लिपिड सॉल्यूबल और नॉन इरिटेटिंग ड्रग को ही एडमिनिस्टर किया जा सकता है। मेरिट्स देखते हैं, सब लिंगुअली दी जाने वाले ड्रग्स का एडवांटेज देखते हैं। क्या होता है, इसमें एड्सॉर्प्शन जो होता है वो ड्रग का फास्ट होता है, और इसमें क्या होता है कि इसमें एक्शन जो होता है वो मिनट्स में प्रोड्यूस होता है। और क्या करता है, सब लिंगुअली दी जाने वाली ड्रग जो होती हैं वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को स्किप कर देती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है वो फास्ट होता है, और जो ड्रग एसिड सेंसिटिव होती हैं उनको भी इस रूट के थ्रू दिया जा सकता है। अब इसमें डीमेरिट्स भी देखते हैं, मतलब सब लिंगुअली दी जाने वाली ड्रग्स जो होती हैं उनका डीमेरिट्स भी है। क्या होता है कि नॉट कन्वीनियंट व्हेन ड्रग प्लेस्ड इन अंडर द टंग। क्या होता है, टंग के नीचे ड्रग को रखना कन्वीनियंट नहीं होता है, क्योंकि ड्रग्स जो होती हैं, टैबलेट्स जो होती हैं, क्या होती हैं, वो ऑर्डरलेस होती हैं, मतलब उसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, या फिर कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो बहुत ही बिटर टेस्ट होती हैं, कड़वी होती हैं, उनको क्या होता है, टंग के नीचे रख पाना मुश्किल होता है। ये इसका डीमेरिट हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं, सब लिंगुअली दी जाने वाले ड्रग का कॉमन एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट, या फिर इसी को ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट भी कहते हैं। इसमें इसका यूज़ होता है वो अनजाइना या फिर चेस्ट पेन में करते हैं। अनजाइना एक हार्ट डिसीज़ है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट दी जाती है, इसको टंग के नीचे रख दी जाती है, और ड्रग जो होती है वो सीधे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाती है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का थर्ड टाइप है रेक्टल। रेक्टल में क्या होता है कि जो ड्रग्स जो होती हैं वो इरिटेंट होती हैं या फिर अनप्रेजेंट जो ड्रग होती हैं उनको रेक्टल एरिया के थ्रू क्या किया जाता है, बॉडी में एडमिनिस्टर कराया जाता है। जैसे सपोजिटोरीज हो गई, रिटेंशन इनेमा हो गया, ये क्या होते हैं, ये सभी ड्रग्स जो होती हैं वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती हैं, और इनको क्या होता है, रेक्टली दिया जाता है। अब रेक्टल रूट से दी जाने वाली ड्रग के मेरिट्स क्या होता है, तो क्या होता है कि ये ड्रग्स जो होती हैं वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को स्किप कर देती हैं, और इनका यूज़ जो होता है, पेशेंट अगर वोमिटिंग कंडीशन में है या फिर अनकॉन्शियस है, बेहोश है और कंटिन्यू वोमिटिंग कर रहा है, उस कंडीशन में इस रूट का यूज़ किया जाता है। अब इसके डीमेरिट्स देखते हैं, क्या होता है कि इसमें ये ड्रग को मतलब इस रूट के थ्रू जो ड्रग्स दी जाती हैं वो एम्बेरसिंग होता है, और इसमें स्लोअर, कभी कभी क्या होता है कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो होता है स्लोअर होता है,
या फिर इरेगुलर होता है, मतलब कुछ ड्रग का एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा और कुछ ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्लो होता है, तो ये इसका डीमेरिट्स हो गया। ठीक है, अब हम पैरेंट्रल जो हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन का सेकेंड टाइप है पैरेंट्रल, उसके बारे में देखते हैं। तो पैरेंट्रल में यही कहा गया है कि ड्रग को सीधे क्या क्या जाता है, हमारे टिश्यू फ्लूड में या फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में इंजेक्ट करा जाता है। इसमें क्या होता है, पैरेंट्रल में ड्रग को इंजेक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है। ठीक है, इसमें इसका मेरिट्स मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में देख लेते हैं। तो पेरेंटल जो ड्रग्स जाती हैं उनका मेरिट्स क्या, एडवांटेज क्या है, इसमें ड्रग का एक्शन जो होता है वो फास्ट होता है और गैस्ट्रिक इरिट मतलब इस रूट के थ्रू जो ड्रग्स जाती हैं वो क्या करती हैं, गैस्ट्रिक को इरिटेट नहीं करती हैं और वोमिटिंग इंड्यूस नहीं होती है इससे। ठीक है, और क्या होता है कि अगर पेशेंट क्या है अनकॉन्शियस कंडीशन में है, उस कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, इस रूट का यूज़ किया जा सकता है। और ये इस टाइप की जो ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर देती हैं। अब इसके डीमेरिट्स के बारे में देखते हैं, तो क्या होता है कि इसमें जो प्रिपरेशन होता है वो स्टरलाइज फॉर्म में होना चाहिए, मतलब उसमें किसी माइक्रोबियल किसी भी टाइप का माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। और जो टेक्निक होती है पेनफुल होती है, मतलब बॉडी में इंजेक्शन इंजेक्ट कराना या फिर सेल में उसका यूज़ करना इंजेक्शन का, ये थोड़ा क्या होता है पेनफुल होता है। और अनदर पर्सन इज नीडेड, इसमें क्या होता है कि हमें किसी असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें क्या होता है कि जब हम इंजेक्शन को सेल में इंजेक्ट कराते हैं तब क्या हो सकता है, लोकल इंजरी के चांस हो सकते हैं। पैरेंट्रल रूट कंसिस्ट करता है इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस और सबक्यूटीनियस में। मतलब क्या होता है, ये हमारी जो स्किन की लेयर्स होती हैं, इंट्राडर्मल हो गया, इंट्रामस्कुलर, इसमें क्या होता है ड्रग को इंजेक्शन को मसल्स में इंजेक्ट करा जाता है। इंट्राडर्मल में क्या होता है, स्किन की सेकंड जो लेयर होती है इंट्राडर्मिस जो लेयर होती है उसमें इंजेक्ट करा जाता है। और सबक्यूटीनियस जो स्किन की सबसे आखिरी लेवल होती है उसमें इंजेक्ट कराया जाता है। तो एक लाइन से देखते हैं, फर्स्ट है हमारा इंट्राडर्मल, इसमें क्या होता है कि ड्रग को हमारे स्किन की सेकेंड लेयर जो होती है डर्मिस लेयर होती है उसमें इंजेक्ट कराते हैं। और इसके एग्जांपल है BCG वैक्सीन, जब जो कोई बेबी चाइल्ड कोई भी चाइल्ड या बेबी है उसका बर्थ होता है तो फर्स्ट वैक्सीन जो होती है BCG वैक्सीन लगाई जाती है। और जो भी ड्रग्स जो भी इंजेक्शन इंट्राडर्मल में इंजेक्ट कराई जाती हैं, डर्मिस लेयर में इंजेक्ट कराई जाती हैं, उनका एंगल जो होता है सिरिंज का एंगल जो होता है 10 to 15 डिग्री होता है और इसमें 26 गॉज की निडिल यूज़ की जाती है। हमारा सेकेंड है इंट्रामस्कुलर के बारे में देखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ड्रग को क्या होता है सीधे मसल्स में इंजेक्ट करा जाती है। कौन सी मसल में, तो स्केलेटल मसल्स में, डेल्टॉइड होगा, ट्रिप्स ग्लूटियस होगा, ये सभी स्केलेटल मसल के एग्जाम्पल हैं। तो क्या होता है कि इंट्रामस्कुलर में इंजेक्शन को क्या होता है स्केलेटल मसल में इंजेक्ट कराया जाता है। और इस रूट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ऑयली सब्सटेंस को भी दे सकते हैं। और इसमें ड्रग की मैक्सिमम क्वांटिटी जो होती है वो 3 ml होती है, मतलब इंट्रामस्कुलर के द्वारा हम केवल 3 ml ड्रग को ही क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट करा सकते हैं। और क्या होता है कि इसमें ड्रग्स जो होती है वो डिपोट फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब अगर सस्टेंड अगर ड्रग का लंबे टाइम तक इफेक्ट चाहिए तो भी क्या होता है इंट्रामस्कुलर जो रूट है इसका यूज़ किया जाता है। मतलब क्या होता है कि जब ड्रग को किया जाता है, जब इंजेक्शन से मस्कुलर लेयर में दी जाती है, तब क्या होता है कि ड्रग कुछ जाती है वो सेल में क्या हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, वहाँ जाके फंस जाती है और क्या हो जाता है कि कुछ टाइम तक एक्यूमुलेट हो जाती है और धीरे धीरे अपना एक्शन प्रोड्यूस कराती है। और इंट्रा मस्कुलर में इंजेक्शन का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। पैरेंट्रल का नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रावीनस, इसमें क्या होता है कि ड्रग को सीधे हमारी वेंस में, मतलब इसमें क्या होता है कि इंजेक्शन को सीधे वेंस में इंजेक्ट कराया जाता है। ठीक है, इसमें यही लिखा है कि ड्रग डायरेक्टली इंजेक्ट इन वेंस और सिस्टेमिक सर्कुलेशन थ्रू बोलस और इन्फ्यूज़न। क्या होता है कि इसमें ड्रग को क्या करते हैं, इंजेक्शन में लेते हैं और इंजेक्शन को सीधे वेंस में इंजेक्ट कराते हैं। ठीक है, और इसमें बोलस और इन्फ्यूज़न का मतलब क्या है, तो बोलस में क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट में ड्रग को सीधे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में देते हैं। जैसे हमने डॉक्टर को देखा है वो क्या करता है, इंजेक्शन लेता है और छोटी सी बॉटल से क्या करता है ड्रग को लेता है और हमारे सीधे बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, वही बोलस कहलाता है। और इन्फ्यूज़न में क्या होता है कि जैसे किसी को इसका एग्जांपल है इन्फ्यूज़न का बॉटल चढ़ाना, जैसे क्या होता है किसी को ग्लूकोज की बॉटल चढ़ती है, उसमें क्या करता है डॉक्टर जो होता है वो इंजेक्शन से बीच बीच में कुछ ड्रग्स को उस बॉटल में डालते रहता है, वो इन्फ्यूज़न कहलाता है। और जो भी ड्रग्स इंट्रावीनस के थ्रू दी जाती हैं, मतलब सीधे वेंस में दी जाती हैं, उनकी बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो 100% होती है। अब बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी हम ड्रग ले रहे हैं वो किस रेट से और कितने अमाउंट में हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में या फिर हमारे ब्लड में पहुंच रही है वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। और इंट्रावीनस के द्वारा जो ड्रग दी जाती हैं, मतलब इसमें
इंजेक्शन का जो एंगल होता है वो कितना होता है, वो 25 डिग्री का होता है। और इसमें क्या होता है कि इनसॉल्यूबल ड्रग जो होती हैं वो इंट्रावीनसली नहीं दी जा सकती, और सस्पेंशन को भी इस रूट के थ्रू नहीं दिया जा सकता। हमारा लास्ट टॉपिक है पेरेंटल में सबक्यूटीनियस। सबक्यूटीनियस में क्या होता है कि ड्रग को सीधे सबक्यूटीनियस लेयर जो होती है स्किन की उसमें इंजेक्ट कराया जाता है, और इसमें ड्रग की क्वांटिटी मैक्सिमम 2 ml या फिर उससे कम दी जाती है। और सबक्यूटीनियस में सिरिंज का एंगल जो होता है वो 45 डिग्री का होता है। थैंक यू।